नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देश में फैल रहे कोरोना वायरस से कई लोग अब तक संक्रमित हुए हैं, जिनका इलाज अभी चल रहा है, लेकिन इन कुछ नियमों का पालन करने से हम इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान दें, साबुन और बहते पानी से लगातार अपने हाथ धोते रहें, छींकते और खांसते समय रुमाल या टिश्यू से अपना मुंह ढके और फिर उसे किसी बंद डब्बे में फेंक दें। अगर किसी स्थान पर हाथ धोने की सुविधा ना हो तो अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर को अपने हाथों पर मले। ऐसे समय में किसी भी तरह के फैट डाइट्स का पालन ना करें, बल्कि अधिक मात्रा में पौष्टिक आहार का सेवन करके अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बनाएं। अनावश्यक यात्रा से परहेज रखें, बीमार लोगों से कम 1 मीटर की दूरी रखें। बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखें, क्योंकि इनके संक्रमित होने की संभावना सबसे ज्यादा है। सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ भाड़ ना बढ़ाएं, जितना हो सके घर में रहकर काम करें। बिना हाथ धोए अपने आंखों या चेहरे को ना छुएं। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में दिक्कत हो तो किसी के संपर्क में ना आए, तुरंत डॉक्टर से मिलिए। ऐसे मुश्किल वक्त पर जरूरत है हम सब एक साथ मिलकर एक अच्छे नागरिक की जिम्मेदारी निभाएं, ताकि इस वायरस से डरने के बजाय सावधानी और सतर्कता से हम इसे लड़ सकें। सुरक्षा के प्रति हमारा एक कदम कई जिंदगियां बचा सकता है। अगर हर एक नागरिक नियमों का पालन करके अपना योगदान दे तो साथ मिलकर यकीनन हम इस खतरे को टाल सकते हैं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आप सबसे एक बहुत ही जरूरी बात करना चाहता हूँ। देखिए, हमारा देश कोरोना वायरस से जूझ रहा है और आप सबको इस लड़ाई में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। आप जानते हैं कि हाल ही में चीन के विशेषज्ञों ने यह पाया है कि कोरोना वायरस मानव मल में कई हफ्तों तक जिंदा रह सकता है। कोरोना वायरस का मरीज पूरी तरह से ठीक भी यदि हो जाए तब भी कुछ हफ्तों तक उसके मल में कोरोना वायरस जिंदा रह सकता है। यदि ऐसे किसी व्यक्ति के मल पर कोई मक्खी बैठ जाए या फिर वो मक्खी फल सब्जियां या खाने पे बैठ जाए तो ये बीमारी और फैल सकती है। इसलिए ये बहुत ही आवश्यक है और महत्वपूर्ण भी कि हम सब कोरोना वायरस से लड़ने के लिए उसी तरह एक जन आंदोलन बनाएं जैसे हमने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वच्छ भारत मिशन को जन आंदोलन बनाकर भारत को खुले में शौच से मुक्त बनाया था। और सुनिए, जिस तरह हम सब ने मिलकर हमारे 2 बूंद जिंदगी के अभियान में शामिल होकर के भारत को पोलियो से मुक्त किया था। मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि कोरोना वायरस को रोकने में आप देश का सहयोग इन 3 कार्यों के द्वारा करें। पहला, अपने शौचालय का नियमित रूप से इस्तेमाल करें और खुले में शौच के लिए बिल्कुल ना जाएं। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी, समाज से दूरी बनाए रखें और केवल किसी आपातकालीन स्थिति हो या किसी इमरजेंसी हो तभी आप घर से बाहर निकलें या चाहें। तीसरी बात, दिन में अनेक बार अपने हाथों को साबुन से कम 20 सेकंड तक धोएं और अपनी नाक, आंख, मुंह को बिल्कुल न छुएं। कोरोना वायरस को हराने के लिए हमें याद रखना होगा कि दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। शौचालय का इस्तेमाल कीजिए, हर कोई, हर रोज, हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।